करें ना, तो हमारे जो स्टमक है वो मस्कुलर बैग है, ठीक है, वाइडेस्ट है, मोस्ट सेंसिबल पार्ट है डाइजेस्टिव ट्यूब का, ठीक है, ऊपर से एसोफेगस के कंटिन्यू हो रहा होता है, नीचे से ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू हो जाता है, रिजर्वायर ऑफ फूड के तौर पर एक्ट करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स इनमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि स्टमक जो है वो ओब्लिकली लाया कर रहा होता है अपर एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा होता है एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को। अब ये देखें, ये हमारा है एपिगैस्ट्रिक रीजन, और ये देखें कि स्टमक हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में पड़ा है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में देखें, ये हमारा स्टमक थोड़ा सा यहाँ भी है और थोड़ा सा ये अम्बिलिकल रीजन में, हमारे बीडी में लिखा है कि ये कंटिन्यू होता है, मतलब पड़ा होता है, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर जो है हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, ये कोस्टल मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन और रिब्स, ठीक है। अब हम शेप और पोजीशन की बात करें तो हमारा जो स्टमक होता है जे शेप्ड होता है, ठीक है, और जो हाइपर एक्टिव मतलब नॉर्मली एक्टिव लोग होते हैं उनमें ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब हम कह लें कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और थोड़े थिन हैं, नॉर्मली एक्टिव हैं, तो उनमें हम बात करेंगे स्टमक जो है वो जे शेप्ड होता है और थोड़ा सा डिसेंड किया होता है। अगर हम बात करें ऐसे लोगों की जो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होते और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनमें जो स्टमक है वो जे शेप तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिसेंड कर जाता है टू द पेल्विस तक में, ये हमारी केएलएम की लाइन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि जो थोड़े से ब्रॉड पीपल होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनमें हम हमारा जो स्टमक होता है वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा होता है, ठीक है। हमारा जो स्टमक है वो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिबल है और अच्छी सारी कैपेसिटी रखता है। तो इसकी जो लेंथ होती है, पहली बात ये है कि वो 25 सेंटीमीटर होती है। बर्थ पे इसकी कैपेसिटी जो होती है, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 1 ounce या 30 मिलीलीटर होती है, प्यूबर्टी पे वो 1 liter या 1000 मिलीलीटर होती है, और एडल्ट्स में जो है वो 2 liter हो जाती है, ठीक है। अब हम इसके बात करें एक्सटर्नल फीचर्स की, तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास 2 orifices हैं, ये कार्डिक ओरिफिस है, ये पाइलोरिक ओरिफिस है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कर्वेचर्स, एक ये लेसर कर्वेचर है और ये है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। लेसर कर्वेचर को हम कहते हैं कि ये हमारा राइट बॉर्डर भी बना रहा है, और ग्रेटर कर्वेचर को कहते हैं कि ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर है, ठीक है। अब जो हमारा उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो सर्फेसिस कितनी है, तो एक हमारी है इंटीरियर सर्फेस या एंटीरियर सुपीरियर सर्फेस, ठीक है, ठीक है, और जो कि फेस कर रही होती है फॉरवर्ड्स और अपवर्ड्स, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है पोस्टीरियर सरफेस, जो इसकी बैक साइड पे होगी, जो हमें इस डायग्राम में नहीं दिख रही, वो पोस्टीरियर या पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस, जो कि बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके 2 parts की, तो स्टमक 2 parts में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास कार्डियक पार्ट, ठीक है, यहाँ तक जो हमारे बॉडी और फंडस जिसमें आ रही होती है वो कार्डियक पार्ट होते हैं, और दूसरा हमारा होता है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ज़रा ओरिफिस को डिटेल में ना, तो हमारा जो कार्डियक ओरिफिस है वो ज्वाइन हो रहा होता है एसोफेगस के, देखें ये एसोफेगस आ रही है, ये हमारा स्टमक कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें जो पहला जंक्शन हम कह लो कि वो आ रहा है, तो वो हमारा कार्डियक ओरिफिस है, ठीक है। ये 7th costal cartilage के पीछे होता है, एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिब्रा लाइन लाई कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो ये स्फिंक्टेरिक एक्शन मौजूद होता है यहाँ पे, लेकिन हम उसको डेमोंस्ट्रेट एनाटॉमिकली नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास आ गया है पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक ओरिफिस, तो जो कि जो ड्यूडेनम में एंटर हो रहा होता है, ड्यूडेनम में ओपन हो रहा होता है, ठीक है। हमें पता कैसे चलता है, मतलब इसका यहाँ पे एक सर्कुलर ग्रूव सा मौजूद होता है, ये देखें ये सर्कुलर ग्रूव मौजूद है, इसको हम पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन कह रहे होते हैं। पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन जो है वो एक हार्ड फॉर्म नोड्यूल टाइप का ना फील होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस कंस्ट्रिक्शन के सामने हमारे पास एक नर्व पड़ी वेन पड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो, ठीक है, जो इस कंस्ट्रिक्शन के आगे लाई कर रही होती है, ठीक है। अब हम इसके कर्वेचर की बात करते हैं, तो हमारा कर्वेचर जो है वो पहला लेसर कर्वेचर है, ठीक है। लेसर कर्वेचर को हम कहते हैं कि ये जो है हमारा जो है वो स्टमक का राइट बॉर्डर बना रहा है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये हमारे लेसर ओमेंटम को, ठीक है। यहाँ पे एक एंगुलर नॉच, ये देखिए ये एंगुलर इंसेसरा या हम कह रहे हैं इंसेसरा एंगुलरिस मौजूद होता है, ठीक है, जो कि बोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इस कर्वेचर का। दूसरा ग्रेटर कर्वेचर जो है वो हमारा ये वाला है, जो कि कन्वेक्स है और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक बना रहा है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट भी इसके साथ अटैच हो रहा होता है। इस पर कार्डियक नॉच मौजूद होती है, ये देखें ये कार्डियक नॉच है, जो कि सेपरेट कर रही है हमारी एसोफेगस को हमारे स्टमक की बॉडी से या स्टमक के फंडस से, ठीक है, उससे सेपरेट करिए। ये वाला जो ग्रेटर कर्वेचर है, अब देखें ये इतना बड़ा सारा ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है, ये इतना बड़ा सारा ग्रेटर कर्वेचर है और ये छोटू सा लेसर कर्वेचर है, तो ये 5 times longer होता है ग्रेटर कर्वेचर हमारे लेसर कर्वेचर से, ठीक है। उसके बाद स्टमक के पार्ट्स, तो स्टमक के जो है ना 2 parts होते हैं, एक होता है कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट में हमारा फंडस आता है और बॉडी आ जाता है, और एक होता है हमारा पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। जो फंडस है हमारी स्टमक की वो अपर कन्वेक्स डूम बना रही होती है और ये डूम ऑफ द डायफ्राम के नीचे पड़ी होती है, ठीक है। कार्डियक ओरिफिस से देखें ये कंटिन्यूस हो गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि डिस्टेंडेड विद, हमेशा ये डिस्टेंडेड विद गैस रहती है नॉर्मली ना। बॉडी ऑफ द स्टमक की बात करें तो वो गैस्ट्रिक फंडस, ये फंडस हो गया और ये पाइलोरस हो गया। फंडस और पाइलोरस के दरमियान में जो चीज़ होती है उसको हम बॉडी ऑफ द स्टमक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा, और 3
टाइप्स के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं जिसमें म्यूकस सेल्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं जिसमें हमारे पास होते हैं चीफ सेल्स, ठीक है। चीफ सेल्स अब क्या कहते हैं, चीफ सेल्स को हम पेप्टिक या साइबोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजेन फलान फलान मतलब उनको सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे पास पेराइटल सेल्स, ठीक है, पेराइटल्स या ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी हम उनको कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, HCL सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पाइलोरिक पार्ट की, ठीक है। हमारा जो पाइलोरिक पार्ट है हमारे स्टमक का, वो सेपरेट हो रहा होता है पाइलोरिक कैनाल से बाय एन इनकंस्टेंट सल्कस, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर पे एक सल्कस मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं सल्कस इंटरमीडियस, और ये पाइलोरिक कैनाल से पहले पाइलोरिक एंट्रम जो है वो, ये देखें पाइलोरिक ये एंट्रम है, ये पाइलोरिक कैनाल है, इनके दरमियान में एक जो है वो मतलब उससे सेपरेट हो रहा होता है कि सल्कस इंटरमीडियस से, ठीक है। पाइलोरिक कैनाल जो होती है, अच्छा जो पाइलोरिक कैनाल होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ट्यूबुलर होती है, नैरो होती है। हमारे जो पाइलोरिक ग्लैंड होते हैं ना, पाइलोरिक ग्लैंड, उनमें जो है वो म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, म्यूकस सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक के ना रिलेशंस की। तो स्टमक के रिलेशंस अगर हम देखें, अच्छा एक और बात इसमें रह गई है, तो ये देखिए हमारे ये जो ये हमारा स्टमक है, ये हमारी डायाफ्राम है, डायाफ्राम और स्टमक के दरमियान में एक लिगामेंट बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखें कि ये हमारी है स्प्लीन, ठीक है, ये है हमारा स्टमक, स्प्लीन और स्टमक के दरमियान में जो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है स्टमक और ये हमारी कोलोन, तो कोलोन के साथ जो हमारा बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अब देख लेते हैं कि हम अब हम देख लेते हैं हमारा स्टमक में ना, अब देखें ये डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें इस तरह होता है कि जो अब अगर हम टेरिटोरियल रिलेशन की बात करें स्टमक की, तो स्टमक जो है ना वो ऊपर और एंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो है वो पेरिटोनियम लाइन करी होती है, तो जब ये दो लेयर्स जो आपस में मीट करती हैं ना, तो ये बनाती हैं ओमेंटम्स, ठीक है। अब देखें अगर लेसर कर्वेचर के साथ, लेसर कर्वेचर पे जो आके मीट करी है तो वो बनाएगी लेसर ओमेंटम, ठीक है, और इसी तरह ग्रेटर ओमेंटम पे जो है वो बनाएगी, ग्रेटर कर्वेचर पे तो वो बनाएगी ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इसमें ग्रेटर ओमेंटम के साथ हमने गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि एक पोस्टीरियर सरफेस पे, स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस पे नहीं, पेरिटोनियम जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर ना डायाफ्राम पे के एक तो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट बना रहा होता है, दूसरा ये देखें ये जो वाला जो है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट बन गया है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना एक छोटा सा एरिया होता है जो कार्डिक ओरिफिस वाला, मतलब जहाँ पे ना जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट हो रहा होता है हमारे स्टमक का डायाफ्राम के साथ, तो वो लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ द डायाफ्राम के साथ, तो वो जो एरिया होता है ना उसको हम कहते हैं बेयर एरिया ऑफ द स्टमक, ठीक है। यानी उसको जो है उसके साथ कोई भी मतलब चीज़ जो है वो इस तरह कवर नहीं कर रही और बिल्कुल वो जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट में है लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ द डायाफ्राम के साथ, तो उसको हम बेयर एरिया ऑफ द स्टमक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये ग्रेटर और लेसर ओमेंटम जो होते हैं ना ये भी बेयर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विसरल रिलेशंस ऑफ द स्टमक की, ठीक है। अब स्टमक के देखें ये वाला जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ ना, ये हमारा स्टमक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहले तो वो आएंगी रिब्स, ठीक है, जो रिब्स थी कोस्टल मार्जिन थे, ठीक है, वो आएंगे 6th to 9th रिब, कौन कितनी रिब्स, 6th to 9th रिब। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये वाली चीज़, ये जो ये आ रही है ये डायाफ्राम आएगी। दूसरा इन ये जो हमारे पास रिब्स आई हैं तो इनके नीचे लंग भी तो होगा ना, तो लंग का लेफ्ट प्लूरा मौजूद होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम मौजूद होती है, ठीक है। स्टमक को सेपरेट करी होती है डायाफ्राम जो है वो लेफ्ट प्लूरा से, पेरिकार्डियम से और 6th to 9th रिब्स से, ठीक है। डायाफ्राम क्या करी होती है, 6th to 9th रिब्स से, प्लूरा से और पेरिकार्डियम से सेपरेट करी होती है स्टमक को, ठीक है। और जो कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं वो स्टमक से सेपरेट हो रहे होते हैं वाया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, यानी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल जो है वो हमारे स्टमक को सेपरेट कर रहा होता है हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है और जो मतलब लोअर है जो होता है लेफ्ट लंग का स्टमक पे, उनके दरमियान में जो स्पेस होती है ना उसको हम कहते हैं ट्रॉप स्पेस, ठीक है। अच्छा, ट्रॉप स्पेस ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये होती है ट्रॉप स्पेस, ये यहाँ पे ना जब मतलब यहाँ पे हमें रेजोनेंट रो नोड ऑफ सुनाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी स्प्लीनोमेगली हो जाए या प्लूरल इफ्यूजन हो जाए तो उसकी वजह से यहाँ पे डल सा नोड प्रेजेंट होता है, तो ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल साइन है, ठीक है।
जो अच्छा अब हम बात करें एंटीरियर रिलेशंस हो गए हमारे। एंटीरियर रिलेशंस में हमने कहा कि जो हमारी डायफ्राम है वो सेपरेट करी होती है हमारे स्टमक को लेफ्ट प्लीरा से, पेरिकार्डियम से और 6 to 9 रिब्स से, ठीक है। और कोस्टल कार्टिलेजेस जो होते हैं वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल की वजह से जो है स्टमक से सेपरेट हो रहे होते हैं। दूसरा हमारे स्टमक के ऊपर जो है वो लिवर और ट्रांसवर्स कोलन और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मौजूद होती है। लिवर, ट्रांसवर्स कोलन और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस की ना। तो पोस्टीरियर रिलेशंस जो है वो हमारा स्टमक बेड बना रहे होते हैं। अब ये देखिए, ये वाली जो ये जो मैं वाइट करी हूँ ना, ये हमारे स्टमक का पार्ट है, ठीक है। दूसरा हमारा ये स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, यहाँ से हमने यानी स्टमक को हटा दिया। तो अब देखें, स्टमक के पीछे जो है वो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, पैंक्रियाज वगैरह, लेफ़्ट किडनी मौजूद होती है, डायफ्राम मौजूद होती है, ये लेफ़्ट किडनी है, ये लेफ़्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड है ये वाला, ठीक है। और ये हमारे पास पैंक्रियाज मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टमक बेड बना रही होती हैं। अगर हम इसकी क्लियर डायग्राम देखें जो हमारी बीडी की है, तो उसमें देखें आप लोग, ये बड़ा था हमारा पैंक्रियाज, ठीक है। ये थी हमारी स्प्लीन और इसकी स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। ये थी हमारे पास लेफ़्ट किडनी, उसका सुप्रारीनल ग्लैंड जो हमारे स्टमक के पीछे पड़े, अगर हम स्टमक को हटाएंगे तो उसके नीचे आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये स्टमक से सेपरेट होती हैं बाय द कैविटी ऑफ द लेसर सैक, ठीक है। अच्छा, अब हम इस स्ट्रक्चर्स को याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हम एक निमोनिक है कि 7-star डॉक्टर किल पेशेंट मर्सीलेसली, 7-star डॉक्टर किल पेशेंट मर्सीलेसली। 7S से हम करेंगे स्प्लीनिक आर्टरी, दूसरे S से स्टार वाले S से करेंगे स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन, डॉक्टर से करेंगे हम डायाफ्राम, ठीक है। किल से करेंगे किडनी, लेफ्ट किडनी, L भी आ रहा है ना किल में, तो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। पेशेंट्स में हम करेंगे पैंक्रियाज और मर्सीलेसली से हम करेंगे मीजोकोलॉन, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ये जो है वो ये जो है वो कभी कभी ऐसा होता, ये सारी चीज़ें जो है स्टमक से सेपरेट हो रही होती हैं बाय द कैविटी ऑफ द लेसर सैक। कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्प्लीन भी जो है ना स्टमक बेड में इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन वो जो है वो सेपरेट हो रही होती है स्टमक में बाय द कैविटी ऑफ द ग्रेटर सैक। ये अपने बात याद रखनी है कि वैसे हर चीज़ जो है वो लेसर सैक की कैविटी से सेपरेट हो रही है स्टमक से ना, लेकिन अगर स्प्लीन को हम स्टमक बेड में इंक्लूड करेंगे तो वो स्टमक बेड स्टमक से सेपरेट हुई हुई होती है बाय द कैविटी ऑफ द ग्रेटर सैक, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी, अपना जो हमारी स्प्लीन है उसकी ब्लड सप्लाई की। अब हम स्टमक की ब्लड सप्लाई की, तो स्टमक जो है ना हमारे, ये स्टमक होता है ना, ये स्टमक है ना हमारा, तो सॉरी अच्छा चलें डायग्राम ही देख ले पहले, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टमक है ना हमारा पास, तो ये हमारा था लेसर कर्वेचर। अब लेसर कर्वेचर पे मैम जो है वो एक तो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो सप्लाई करेगी हमारे लेसर कर्वेचर को। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, तो ये देखें इस डायग्राम को, ये देखें ये हमारी लेसर कर्वेचर मौजूद है, ठीक है। इसमें देखें अब कौन सी आर्टरी हमने कहा कि सप्लाई करेगी हमारे इसको, ये देखें लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो आर्टरी आ रही है ये हमारी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि इस तरह के ब्रांचेस देके हमारी लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। दूसरी एक ये आर्टरी हमारे पास आ रही है, ठीक है, जिसको हम राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कह रहे हैं, ठीक है, ये जो इस तरह सप्लाई कर रही है हमारे लेसर कर्वेचर को, ठीक है। उसके बाद हम अब देख लेते हैं ग्रेटर कर्वेचर को, तो ग्रेटर कर्वेचर गेस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच राइट गेस्ट्रो एपिपिलोइक और स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच लेफ्ट गेस्ट्रिक एपिपिलोइक सप्लाई करी होती है। ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है ना, ग्रेटर कर्वेचर को देखेंगे ये स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी की एक ब्रांच निकल रही है, ठीक है, ये वाली जिसको हम कहते हैं लेफ्ट गेस्ट्रो एपिपिलोइक आर्टरी, ये सप्लाई करी है। और इस तरफ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो गेस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी मौजूद है, ये देखें ये वाली गेस्ट्रो ड्यूरिनल आर्टरी, ये एक ब्रांच इस तरह देती है और एक ब्रांच ये इस तरह देती है जिसको हम कहते हैं राइट गेस्ट्रो एपिपिलोइक आर्टरी, जो कि हमारे ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फंडस की, तो फंडस में स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस जो कि हमारे फंडस को सप्लाई करी होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं, ये देखें ये स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है, इसकी ये छोटी छोटी सी ब्रांचेज हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि इसको 5 to 7 होती हैं और ये सप्लाई करती हैं हमारे फंडस ऑफ द स्टमक को, ठीक है। उसके बाद वेन ऑफ द स्टमक की बात करें, तो वेन जो है वो पोर्टल सुपीरियर में जेंटेरिक और स्प्लीनिक वेन्स में जो है वो ड्रेन हो रही होती हैं, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स जो है वो पोर्टल वेन में ड्रेन होती हैं, राइट गैस्ट्रो एपिपिलोइक आर्टरी वेन जो है वो सुपीरियर में जेंटेरिक वेन में और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपिलोइक वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो स्प्लीनिक वेन में जाकर ड्रेन होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की लिम्फैटिक ड्रेनेज की, तो जो इसका लेफ्ट 1/3 होता है अपर पार्ट का, लेफ्ट 1/3 इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन ए बी सी डी में, ठीक है। ए वाला जो है वो इसको हम देखें तो ये लेफ्ट 1/3 है अपर पार्ट है, ये पैंक्रियाटोस्प्लीनिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है। पैंक्रियाटोस्प्लीनिक लिम्फ नोड जो है वो ट्रैवल करते हैं अलॉन्ग विद द स्प्लीनिक आर्टरी और जाके ड्रेन हो जाते हैं हमारे सीलिएक नोड में, ठीक है,
स्प्लेनिक आर्टरी के साथ जाते हैं, मतलब लिम्फेटिक वेसल्स ट्रेवल करती हैं और जाके सीलिक नोड में ड्रेन हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में देखें, जो बी पार्ट है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो लिम्फ होगा वो जाके मतलब जो राइट टू थर्ड है उसको ड्रेन करेगी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, ठीक है, उनके साथ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ ही होंगे, ठीक है। ये एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस को भी ड्रेन करते हैं और यहाँ से भी लिम्फ जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से भी लिम्फ जो है वो किस में जाना है, सीलिएक नोड में ही जाना है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास सी पार्ट है, ठीक है, सी पार्ट जो है वो लेफ्ट वन थर्ड है हमारे स्टमक का, ये राइट गैस्ट्रो एपिपिलोइक नोड्स में आएगा, मतलब इसका जो लिम्फ आएगा इसमें आएगा, ये लिम्फ जो है वो सब पाइलोरिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा, सब पाइलोरिक लिम्फ नोड से जाएगा हिपैटिक नोड्स में, हिपैटिक नोड से फाइनली आ जाएगा सीलिएक लिम्फ नोड्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डी पार्ट है हमारा स्टमक का वो कहाँ ड्रेन होता है, तो वो जो है पाइलोरिक हिपैटिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, पाइलोरिक हिपैटिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, और वहाँ से टर्म जो है वो आकर कहाँ आ जाता है, हमारे सीलिएक लिम्फ नोड्स में आ जाता है, ठीक है। सीलिएक लिम्फ नोड से लिम्फ कहाँ जाता है, इंटेस्टाइनल लिम्फैटिक ट्रंक में जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल लिम्फैटिक ट्रंक से वो फिर फाइनली चला जाता है सिस्टर्ना काइली में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे जो स्टमक है उसकी नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई दो टाइप की जाहिर है होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो T6 और T10 से होती हैं, ठीक है। ग्रेटर स्प्लैंचनिक नर्व्स, सीलिक हेपेटिक प्लेक्सेस, वो सारे जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब ये जो है चीज़ें ये सप्लाई कर रही होती हैं हमारे स्टमक को, ठीक है। वेजोमोटर का मतलब हमारे जो भी स्टमक में वेजल्स होंगी उनको सप्लाई करेंगी। पाइलोरिक स्फिंक्टर की मोटर सप्लाई करी होती हैं, मतलब पाइलोरिक स्फिंक्टर की जो है वो सप्लाई करेंगी, मोटर होंगी और बाकी जो गैस्ट्रिक मस्कुलेचर है उसको इनहिबिट करेंगी, ठीक है। पेन सेंसेशन में हमारी कौन सी नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर की। तो पैरासिंपैथेटिक में हमारे पास होती हैं वेगस नर्व, ठीक है, राइट वेगाइन नर्व होती हैं, ठीक है, एसोफेजियल प्लेक्सस और गैस्ट्रिक नर्व्स। गैस्ट्रिक नर्व्स की फिर दो टाइप हैं, मतलब एक होगी हमारे पास इंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, जो कि एक या दो ट्रंक से मिलकर बनी हुई होती है और जिसमें लेफ्ट वेगल फाइबर्स मेनली मौजूद होते हैं। दूसरी जो है वो पोस्टीरियर है, इसमें लेफ्ट वेगल नर्व मौजूद हैं, लेफ्ट वेगल फाइबर्स मौजूद होते हैं, और पोस्टीरियर में हमारे पास राइट होते हैं मौजूद, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनकी इंटीरियर और पोस्टीरियर की। तो ये जो इंटीरियर वेगस नर्व हमारे पास इंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व आई है, ये दो टाइप की ब्रांचेस देती है। एक तो देती है नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ब्रांचेस बहुत सारी, जैसे सारी प्रेजेंट है ये गैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं। दूसरी दो ब्रांचेस देती है, एक जो होती है वो पाइलोरिक ब्रांच होती है, पाइलोरिक पाइलोरस के लिए, और दूसरी होती है पाइलोरिक एंट्रम के लिए, ठीक है। और एक एंटीरियर नर्व ऑफ लैटर जेट होती है जो कि हमारे पहले पाइलोरिक पार्ट में आ रही होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास अब हम बात करें पोस्टीरियर वेगस नर्व की। तो पोस्टीरियर वेगस नर्व अब जाहिर है स्टमक की पोस्टीरियर साइड में मौजूद है, ठीक है, इसलिए डॉटेड शो हुई है। ये भी पोस्टीरियर नर्व ऑफ लैटर जेट देती है और गैस्ट्रिक ब्रांचेस देती है, ठीक है, और दूसरी एक छोटी सी ब्रांच देती है जो कि सीलिएक प्लेक्सस के लिए, एक बड़ी ब्रांच होती है, लार्जर ब्रांच होती है, और सीलिएक ब्रांचेस देती है सीलिएक प्लेक्सस के लिए, ठीक है। अच्छा, अब पैरासिंपैथेटिक जो होता है नर्व फाइबर, उसको पैरासिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है वो मोटर होती है और सिक्रीटो मोटर होती है, ठीक है। ये जो है ना स्टिमुलेट कर देती है हमारे जो भी स्टमक है उसकी मोटिलिटी को, ठीक है। मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो गैस्ट्रिक जूस इंक्रीज़ होगा, गैस्ट्रिक जूस इंक्रीज़ होगा तो मतलब HCl इंक्रीज़ हुआ है, पेप्सिन इंक्रीज़ हुआ है, पेप्सिनोजन ज़्यादा सारा कन्वर्ट हुआ है पेप्सिन में, ठीक है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर को इनहिबिट कर रही है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को मोटर सप्लाई दे रही थी हमारी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और ये इसको इनहिबिट कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द हमारे स्टमक की, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक को हम जब खोलते हैं ना तो हमें अंदर नज़र आता है म्यूकोजा, जो एम्प्टी स्टमक का होता है उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रिउगी, ठीक है। गैस्ट्रिक रिउगी जो होते हैं ये लेसर कर्वेचर के पास जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है, लेसर कर्वेचर के पास लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बाकी इरेगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि रिउगी जो होते हैं फ्लैट हो गए होते हैं डिस्टेंडेड स्टमक में, ठीक है। म्यूकोजल सरफेस पे इस तरह होता है कि छोटे छोटे से ना डिप्रेशन मौजूद होते हैं, ठीक है, ये देखें अगर आप तो ये छोटे छोटे से डिप्रेशन मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स में जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपन हो रहे थे, ये देखें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये ऊपर जाके गैस्ट्रिक पिट में ओपन होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने बताया था कि उसकी सिक्रीशंस थी, म्यूकस सेल्स थे उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, चीफ सेल्स थे पेप्टिक या जाइमोजेनिक और पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स थे जो कि HCl सिक्रीट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब जो हम स्टमक के मतलब ल्यूमेन की बात करते हैं,
स्टमक का जो पी ल्यूमिन है, इसमें हमने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल जो भी है रियूगी मौजूद हैं, गैस्ट्रिक रियूगी हम इनको कह रहे हैं, ठीक है। और हम दूसरा हमने ये देखा कि म्यूकोसल सरफेस पे स्मॉल डिप्रेशन है जो कि हैंड लेंस से नजर आते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन पिट्स में ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द ल्यूमिन जो लेसर कर्वेचर के पास लाई कर रहा होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल रूगी होते हैं, उसको गैस्ट्रिक कैनाल या मेजेंस ट्रेसी भी कहते हैं, मेजेंस ट्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास आ रही है ना, ये गैस्ट्रिक कैनाल है। अब ये गैस्ट्रिक कैनाल बनती कैसे है ये हम अभी देखेंगे कि हमारे जो ऑब्लीक फाइबर्स होते हैं ना, डीपेस्ट लेयर जो हमारी स्टमक की मस्कुलर कोट की डीपेस्ट लेयर होती है, वो जब उसमें जब ऑब्लीक फाइबर्स कंट्रैक्ट करते हैं तो वो ये हमारी गैस्ट्रिक कैनाल बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं कि हमारे जो स्टमक है ना, इसका जो मतलब जो मस्कुलर कोट किस तरह का है ना, तो ये देखिए ये है हमारी आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ये हाँ आउटर लेयर है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स की, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को जब हम हटाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास एक और लेयर आती है जिसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मसल्स की लेयर है, ठीक है। ये पाइलोरस पे जो है ना थिक हुई हुई होती है, ठीक है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर बना रही होती है, जो मिडल सर्कुलर लेयर होती है ना, मिडल हमारी सर्कुलर लेयर वो थिक हुई होती है पाइलोरस पे और पाइलोरिक स्फिंक्टर बना रही होती है, ठीक है। और जो डीपेस्ट लेयर होती है वो ऑब्लीक फाइबर्स की होती है, ठीक है, ऑब्लीक फाइबर्स की। और ऑब्लीक फाइबर्स की हमने कहा कि ये जो है वो ये लूप कर रहे होते हैं ऑन द कार्डियक नॉच, ठीक है। और कुछ फाइबर्स जो है फंडस और बॉडी ऑफ द स्टमक में होते हैं, बाकी जो है वो वेल डेवलप्ड रिज बनाते हैं लेसर कर्वेचर की ईच साइड पे, ठीक है। और ये जो जो वेल डेवलप्ड रिज होती है ना, ये यही फाइबर्स जो होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं, मैंने भी कहा कंट्रैक्ट करते हैं और गैस्ट्रिक कैनाल बनाते हैं और इसमें से फ्लूइड्स पास होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें ये लेसर कर्वेचर के पास जो है वो हमारी क्या बन रही है, उसको हम कहते हैं कि गैस्ट्रिक कैनाल बन रही है, ठीक है। गैस्ट्रिक अब देखें जो भी फ्लूइड्स हैं वो इस गैस्ट्रिक कैनाल में आ रहे हैं, तो जो भी मतलब हम जो भी हम मतलब लिक्विड वगैरह स्वेलो करते हैं वो सारे जो है वो इसमें लेसर कर्वेचर पे आ रहे हैं, तो लेसर कर्वेचर जो है वो उस पर मेनली आ रहा होता है जो भी मतलब प्रेशर वगैरह है, तो यहाँ पर जो है ये मेनली जो है वल्नरेबल हो जाता है ये पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं स्टमक के, तो फंक्शन ऑफ द स्टमक में ये रिजर्वायर पर फूड के तौर पर एक्ट करता है, मिक्स करता है फूड को, ठीक है, सॉफ्टन करता है उसको गैस्ट्रिक जूस की मदद से। गैस्ट्रिक जूस में हमने कहा कि जो है वो HCL होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन कराते हैं फूड की। दूसरा HCL मौजूद होता है, ठीक है, HCL जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो जो भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो उससे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। दूसरा ये कि लाइनिंग स्टमक में अब इतना सारा जो जब स्टमक HCL प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए कोई हिफाजती इकदाम भी तो होना चाहिए ना, तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा जो है वो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है HCL के एक्शन से, ठीक है। दूसरा वाटर, अल्कोहल, साल्ट्स और कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है हमारे स्टमक में, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो ऑफ कैसल प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि एब्जॉर्प्शन कराता है हमारे विटामिन B12।